साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो लोग? स्वस्थ हो? मस्त हो? मेरी जान तो भाई फाइनली आज है मेरा गांव का विलेज का लास्ट डे। तो भैया आज मैं जाने वाला हूँ चंडीगढ़। तो ठीक है, तो भाई मैं अभी हूँ बसवारी में, और ये देखो बसवारी में हूँ। ये पता है क्या दिख रहा है गाइस? ये है नदी मेरे गांव का, भले मेरे गांव का नदी, और इसमें अभी मैं नहाया नहीं हूँ जब से हूँ। फाइनली मैं सोच रहा हूँ जाऊँ वहाँ पर नहा लूँ, क्या बोलते हो? चलिए एक बार वहाँ से घूम के आते हैं, ट्राई करके आते हैं, उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद कपड़ा कुपड़ा पहनेंगे। उसके बाद से भाई लोग अभी जो है प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट है, हमारी ट्रेन है बहुत ज़्यादा लेट है भाई, कसम से। क्या बोलते हो, अभी यहाँ से जाएंगे सीधे डायरेक्टली छापरा, छापरा से फिर दूसर का ट्रेन पकड़ेंगे जिससे हम पहुँचेंगे चंडीगढ़। तो भैया बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होने वाला है ये पहुँचने में, क्या बोलते हो? तो कम से कम 1200 किलोमीटर पर, आई डोंट नो 1200 किलोमीटर शायद है, ठीक है। तो भाई ये सफ़र देखिए क्या हमारा कैसा होने वाला, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहो, और वीडियो स्टार्ट करने इस देरी के चलिए चलते हैं, और लाइक करो गाइस, एडवांस में लाइक क्लिक कर दो, शेयर शोर करो। चंडीगढ़ जाके आप लोग पता है वीडियो क्या बनता है, तगड़ा तगड़ा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने इस देरी के चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो भैया फाइनली आ चुके हैं अपने नहर में, ये देखो हमारा पुल और ये हमारा नुकुबड़ा। कूद कूद, बाप रे, ये गाइस अपना पुल, क्या बोलते हो, कूद जाए क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई यही मैं बुला जाता रहा हूँ। प्यार हो जाएगा पानी से, देखना। ओके ओके, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस फाइनली जो है नहा के आ चुके हैं नहर में से, देखिए बाल कितना छोटा छोटा कटा लिया यार, पहले कितने बड़े थे, अब देखो कैसे अजीब सा मुंह लग रहा है ना, और ये सब दाढ़ी तूढ़ी बढ़ गया यार। इसे जाके फिर सेटिंग शूटिंग करवाएंगे, उधर जाके कटिंग करवाएंगे। तो फाइनली जाके मैं अपने घर के पानी से नहा लेता हूँ, कॉल से पानी चला के पूरा, और नहा नहू के कपड़े कुपड़े पहन के रेडी होते हैं गाइस। आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहो, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए चलते हैं नहाते धोवाते कपड़े कुपड़े पहनते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली जो अपना सामान जो है पैक हो चुका है, 1 2 3 और ये 4 बैग, फाइनली गाइस 4 बैग है जो कि आराम से चल जाएगा। और मैं भी नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ, वहाँ से नहर में नहा के आया था, और यहाँ पे पानी अपने घर से नहा लिया। और गाइस कंफ्यूज हो रहा कि कौन सा ड्रेस पहनूँ आज, ठीक है। तो और सब तो पैक हो चुका है, अपने पास एक ब्लैक पैंट ये वाली पड़ी हुई है, और एक इसके पास शर्ट है जो बाहर टंगी हुई है धोखे, तो वो दो मैं पहनने वाला हूँ। और भाई यहाँ से हम निकलेंगे कम से कम 7 बजे, वो भी अपने कार से, ठीक है। लास्ट ड्राइव लेंगे आज, क्योंकि लास्ट दिन है आज, तो वही अपने कार से जाएंगे छपरा, छपरा से ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद निकलेंगे गाइस। ट्रेन जो बहुत ज़्यादा लेट है यार। तो भैया फाइनली चलेंगे, अपना कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद बिनते वीडियो में बने रहो आप लोग। तो गाइस फाइनली जो अपना खाना खुना भी फाइनली तैयार हो चुका है, बाप हो बाप पूरा है, मैं खाने बा, ठीक है, सब कुछ है इसमें, खाने वाला सामान है, ठीक है। और फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, वही अपना सिंपल सा ब्लैक पैंट एंड ये है वाइट जामा, और जूता अपना वो रहा जूता साइड में, उसे बाद में पहनने वाला हूँ, जब जाएंगे तब निकलेंगे तब। गाइस गाड़ी इतना ज़्यादा लेट है कि मन कर रहा है कि ना जाऊँ, नहीं जाना तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिक्कत हो रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो भैया फाइनली उधर पास से बस निकलने वाले हैं, ठीक है, क्या बोलते हो, बने रहो वीडियो स्टार्ट कर देखिए, चलिए चलते हैं, क्या बोलते हो? फाइनली गाइज अभी जो कार में पेट्रोल भरवाने के लिए हम निकल चुके, तो जस्ट हमारे सामने से ट्रेन जो आ चुकी है और वो क्रॉस भी हो चुकी है, ठीक है। तो फाइनली हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप के पास में, और ये जो साइड में लगा दिया गाड़ी पेट्रोल के पास में, और ये पेट्रोल के क्या क्या ये डाल दिया अंदर, लो पेट्रोल चालू, और दबा के पूरा फुल करवा देंगे, ये लो फुल हो रहा है, आप देखो आपके सामने फुल करवाएंगे, देखिए पैसा है ना। तो भैया ये देखो मीटर चल रहा है पूरा स्पीड में, और मैं थोड़ा सा पैसा काउंट कर लूँ तो कम तो नहीं है ना, कम नहीं, पूरा बराबर है। तो भैया फाइनली पेमेंट अपना हो चुका है पेट्रोल का पैसा, भैया ने देखा, और चलिए अभी ये बंद, और ये देखो लिस्ट पैसा की। तो गाइस निकल चुके हैं पेट्रोल भरवा के अपनी ट्रेन के लिए, वो भी छपरा, क्या बोलती हो, फुल पावर में। और भाई सबसे पहले मैं बैठ चुका है कि अपना सीट कब्जा करके आगे को। 1 आवर लेटर,
तो लोग गाइस फाइनली देखते देखते पहुंच चुके छपरा जंक्शन अपना, ठीक है। ये से ट्रेन पकड़ेंगे और भाई लो देख लो इधर का थोड़ा सा व्यू ऐसे हुआ है गाइस। फाइनली लास्ट टाइम देख लो अपने सांप को, इनोवा को। तो भैया फाइनली गए घर पे और एक साल बाद मुँह देखेंगे गाइज। इंतजार करते करते लग गया था प्यास, तो ये मैंने मंगाया 7 अप, थोड़ा सा मिला मुझे हिस्सा में, देखो थोड़ा सा आया, इसे पीते हैं। तो गाइज 2-3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली आ चुकी है अपनी जो ट्रेन है धीमी गति से। देखिए इसका शक्ल देख लीजिए एक बार यहाँ, बस फाइनली देखो पूरा डब्बा खाली खुली है। तो चलिए बैठ के मिलते हैं। तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंतजार करने के बाद फाइनली अपनी गाड़ी है जो आ चुकी है डगमगाते लड़कमगाते कैसे भी करके, लेकिन आ चुकी है अपने मंजिल पर छपरा जिला। तो भैया मुझे तो लगा था कि आज नहीं पहुँचेगी, बट पहुँच चुकी है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ठीक है। और देखिए कब तक पहुँचाती है, कल परसों तो लग ही जाएगा 4-5 दिन, नहीं बोलूँगा कुछ नहीं। देखिए सजल फजल है इसलिए लेट लगा दिया है, ठीक है। क्या बोलते हो, रात का बज गया है गाइस 3, ये देखो रात का व्यू बज रहा है 3-4 बजे का, दोपहर का 4 बजे का टाइम था, बट लेट। तो भैया भाई बने रहो वीडियो में, देखिए क्या होता है। बस भैया फाइनली ये देखो गया। तो भैया फाइनली छपरा से अपनी ट्रेन जो खुल चुकी है, ठीक है, और छपरा को पार करने वाली है। और मैं जा रहा हूँ, नींद लग रहा है तेज, जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं कल, ठीक है भाई। The next day. All right, guys. Good morning of all. Finally, सुबह हो चुकी है और अपनी ट्रेन जो चल रही है वो भी धीमी गति से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गेट पे और ये देखिए अभी आई है ट्रेन पटरी पर, अभी आई है लाइन पर। देखिए सामने खरियाली मेरे करके मिलते हैं, क्या बोलते हो। बस जस्ट आने वाला है अम्बाला जंक्शन, ठीक है। हमारी गाड़ी जस्ट वहीं पर खड़ी होने वाली है, स्लो हो चुकी है शायद अम्बाला जंक्शन। भाई साहब 3 बज गया 3, बस देखा हम बात करते हैं। गाइस फाइनली उतर चुका हूँ ट्रेन से और ये सामने सामान ढोवाते हुए, और ये रही मेरी ट्रेन, आज के बाद कभी इसमें नहीं बैठने रहे भाई। और ये रहा मैं सामान ढोते और वीडियो बनाते हुए। 1 hour later. तो भैया फाइनली 1 घंटे बाद हमें मिल चुकी थी टैक्सी और अंकल दबा के चला रहे थे, लग रहा है जल्दी पहुंचा देंगे। और ये रहा मैं, बाप रे झूठ भी हमें मुड़िया रहा है, ठीक है। सवार और बैठते हुए मजा लेते हुए चलते हैं घर। हाँ जी, तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने घर पर और आते बहुत ज़्यादा हाँप चुका हूँ, ठीक है। अपना सामान सामान लगा के, और ये देखो भाई गंद फैला कैसे पूरा पानी में, ऐसे ही बोतल रखा हुआ है, ये अभी थोड़ा इसमें रखा है पानी भरने के लिए, ऑन कर दिया इसे। तो भैया फाइनली अभी जा रहे हैं कपड़ा खोल के नहाने के लिए, तो नहा वहाँ के बात करते हैं। पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, अभी कुछ प्रसन्न बात करना है लोगों से, क्या बोलते बन रहा। और तो गाइस फाइनली नहा धोवा के खाना खुना खा के फ्रेश हो गया, आ चुका हूँ छत पे मेरी जान। भैया आज का जो मौसम है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है भाई। क्या भाई, हवा पूरा सान सान मार रहा है देह में, और ये बारिश का मौसम है, देखिए बारिश होता है कि नहीं होता है, ठीक है भैया। तो आपसे इम्पोर्टेंट एक बात करने आया था भैया, जो जिस आज मैं ट्रेन में आया हूँ ना, तो मैं ये समझ रहा हूँ क्या दुर्घटना हुआ है भाई। आप अगर इस ट्रेन में आओगे ना भाई, बर्बाद हो जाओगे भाई आप, ठीक है भाई। आपको पता है क्या क्या चीज़ नुकसान होगा, पहला बात है समय, और दूसरा का चीज़ है को पैसा बर्बाद, और तीसर का पता नहीं, ठीक है। ये दो चीज तगड़ा बर्बाद होने वाला, पैसा कटेगा और समय बर्बाद। भाई हमारा पता है ट्रेन था छपरा में 4 बजे का, ट्रेन आया 4 बजे का था, ठीक है, 25 तारीख को 4 बजे। और भाई इसने इतना तगड़ा लेट किया ना, 12 घंटा लेट। और भाई शाम का आया इसका, शाम पे छपरा पहुंची पता है कितने बजे, कितने, हाँ 1 बजे। उसके बाद से हम अपने घर से निकले अपनी कार से कम रात के 10 बजे छपरा के लिए, छपरा फिर पहुंचे। उसके बाद से ट्रेन का इंतजार करते करते 2-3 घंटा इंतजार किया भाई। फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये, पता है फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे समीर के घर पे, और ये सब मैंने आते देखा तो ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब जाएंगे पर मैं नहीं जाऊँगा। तो भैया फाइनली इसके घर आए थे, तो ये अभी जा रहे हैं कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो ये दोनों ज़्यादा करता है ऐसा, ये अपने दोस्त को आईफोन का कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई आईफोन नहीं लिया भाई किसी, और इसमें ये सब। तो भैया चलिए चलते हैं, और आते हैं हम तीनों इकट्ठा हो चुके हैं और जा रहे हैं तहलका मचाने के लिए 17 सेक्टर में। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, चलिए चलते हैं। तो
जो अपना ये भाई सोच समझ के ट्रेन ट्रेवल करना, सोच समझ के टिकट टुकट बनवाना भैया, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ 17 सेकंड वीडियो बनाने के लिए, और नेक्स्ट आपको ब्लॉग वो दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 17 सेकंड वाली वीडियो रिएक्शन वीडियो के साथ। चलिए चलते।